राष्ट्र वंदन समिति के तत्वावधान में रविवार को एक निजी लॉन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक नंदू मिश्रा द्वारा किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम व बच्चों द्वारा डांस भी प्रस्तुत किया गया, जिसके संबंध में राष्ट्र वंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्यौहार है जिस हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा ये पर्व हर धर्म संप्रदाय जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं और एक दूजे को गुलाल लगाते हैं। इस अवसर पर सुधा मोदी, मातृशक्ति परिषद अध्यक्ष विनीता पांडे, माया गुप्ता, प्रीति श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव, रीता शर्मा, रूप रानी, स्वीटी माही, मधु पोद्दार, युवा परिषद अध्यक्ष नवीन चंद्र पांडे, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, धीरज ओझा, राहुल पांडे, देवीलाल गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, दीपक मौर्या सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए राष्ट्र वंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, महामंत्री राष्ट्रवंदन समिति। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रवंदन समिति के तत्वाधान में सामाजिक समरसता का ये जो स्वरूप हम लोग के सामने होली के रूप में देखने मिलता है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर मनाया है। हम लोग इसके माध्यम से समाज को एकजुट होने, एक हिंदू हिंदू एक होने का संदेश देने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। आज के दिन सभी भेदभाव भूल करके और एक रंग में रंग जाते हैं, होली के रंग में रंग जाते हैं। सभी को न कोई छोटा होता, न कोई बड़ा होता, और यही आज भारत की आवश्यकता है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही एक समाज की स्थापना करना जिसमें न ऊंच नीच भेदभाव का कोई स्थान न हो, इसीलिए आज हम लोग होली का त्यौहार भव्य रूप से मना रहे हैं।